नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस क्लास में बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। और ये आर्टिकल अक्सर आपका चर्चा में बना रहता है। ये आर्टिकल है आपका दक्षिण चीन सागर विवाद के बारे में। तो इसमें देखेंगे कि आखिर ये दक्षिण चीन विवाद है क्या, और दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति क्या है, मैप में कहाँ है आपका दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर का विवादित इतिहास क्या रहा है उसे भी हम लोग देख लेंगे, दक्षिण चीन सागर विवाद के कारण क्या है उन्हें भी देखेंगे, प्रभाव क्या है इसका उस पर भी चर्चा कर लेंगे, चीन की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति क्या है उसे भी देख लेंगे, दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की क्या भूमिका है उसे भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दक्षिण चीन सागर कहाँ है आखिर। तो ये आपका प्यारा भारत, ये चीन, ये है आपका दक्षिण चीन सागर। देखिए कहाँ है ये, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये आपका हांगकांग है, चीन, ये है दक्षिण चीन सागर, दिख रहा है, ये आपका भारत है, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ठीक है, याद रखिए ये आपका दक्षिण चीन सागर। जहाँ एक ओर पूरा विश्व COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में संघर्षरत है, वहीं दूसरी ओर चीन दक्षिण चीन सागर में सैन्य गतिविधियों को संचालित कर इस क्षेत्र से संबंधित देशों के समक्ष दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। हाल ही के दिनों में चीन के द्वारा इस संवेदनशील क्षेत्र में सैन्य अभ्यास के आयोजन के साथ ही बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की गई। इतना ही नहीं, वियतनाम के विदेश मंत्रालय के अनुसार कुछ दिन पूर्व भी चीन के तटरक्षक बल के एक पोत द्वारा दक्षिण चीन सागर के पार्सल द्वीप समूह में वियतनाम की मछली पकड़ने वाली नौकाओं को डुबाने का प्रयास किया गया। निश्चित रूप से चीन की यह हरकत वियतनाम की संप्रभुता का उल्लंघन कर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली है। विदित है कि दक्षिण चीन सागर को दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक माना जाता है, और यह व्यापार तथा परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। दक्षिण चीन सागर में स्थित विभिन्न देशों के बीच इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने को लेकर तनाव व्याप्त है। चीन से लगे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों और उनके द्वीपों को लेकर भी चीन और वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दारुसलाम, फिलीपींस, ताइवान, स्कारबो राप रीप आदि क्षेत्रों को लेकर विवाद है। लेकिन मूल विवाद की जड़ है दक्षिण चीन सागर में स्थित स्पार्टली और पार्शल द्वीप, क्योंकि यह दोनों द्वीप कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस से परिपूर्ण है। अब बात करते हैं दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति की। मैप में वैसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं आपकी इसकी भौगोलिक स्थिति, यह है आपका पूरा दक्षिण चीन सागर, देखिए ठीक है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपका कहाँ है, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आपका यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग आपका 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें आपका स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप शामिल हैं। इसके अलावा इसके आसपास इंडोनेशिया का करीमाता, मलक्का, फार्मोसा, जलडमरू और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप भी आते हैं। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया को स्पर्श करते हैं, वो पश्चिम में ये फिलीपींस, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में आपका इंडोनेशिया के बंका और बेतुंग द्वीप शामिल है। बात करते हैं दक्षिण चीन सागर की विवादित
इतिहास क्या रहा है इसका? तो सर्वप्रथम 1947 में मूल रूप से चीन गणराज्य की कोमितांग सरकार ने 11-11 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को प्रस्तुत किया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मुख्य भूमि चीन पर अधिकार करने और वर्ष 1949 में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना का गठन करने के बाद टोंकिन की खाड़ी को 11 डैश लाइन से बाहर कर दिया गया और परिणाम स्वरूप 11 डैश लाइन को अब 9 डैश लाइन यानी कि दक्षिण चीन सागर व चीन द्वारा खींची गई 9 आवासीय रेखाएं के नाम से जाने जाने लगा है। चीन द्वारा वर्ष 1998 की घोषणा पत्र में 9 डैश लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर अपना दावा किया गया। चीन के इस दावे से वियतनाम के स्पार्टली पार्शल द्वीप समूह 9 डैश लाइन के अंतर्गत समाहित हो गए, जो चीन और वियतनाम के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। इसी प्रकार 9 डैश लाइन के अंतर्गत फिलीपींस का स्कारबोरो सॉल द्वीप, इंडोनेशिया का नतुना सागर क्षेत्र भी आपका शामिल है। वर्ष 1949 से ही चीन 9 डैश लाइन के माध्यम से दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग यानी कि लगभग 80% पर अपने अधिकार या अपने कब्जे का दावा करता रहा। बात करें दक्षिण चीन सागर विवाद के कारणों की, तो इस विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। चीन दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहाँ प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं। मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। अब इसके प्रभाव की बात करें हम लोग, तो दक्षिण चीन सागर विवाद ने इस विवाद में शामिल क्षेत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इन देशों का चीन के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है। दक्षिण चीन सागर सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। यदि इस क्षेत्र में तनाव इसी प्रकार जारी रहा तो शिपिंग और आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाएंगी। पूर्वी एशिया में अमेरिका की व्यापक सुरक्षा प्रतिबद्धताएं हैं। अमेरिका ने इस क्षेत्र में के कई देशों जैसे फिलीपींस हो गया, सिंगापुर और वियतनाम के साथ सुरक्षा गठबंधन भी कर रखा है। इसलिए इन देशों का चीन के साथ कोई भी विवाद अमेरिका को सीधे प्रभावित करेगा। बात करते हैं चीन की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति। चीन को प्राकृतिक तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व के देशों द्वारा यानी मलक्का जलमार्ग के रास्ते से होती है। अक्सर अमेरिका चीन को चेतावनी देता है कि वह मलक्का जल डमरू को ब्लॉक कर देगा, जिससे चीन की ऊर्जा आपूर्ति रुक जाएगी। यही कारण है कि चीन को दक्षिण चीन सागर में अपने भू आर्थिक और भू सामरिक हित दिखाई देते हैं। दक्षिण चीन सागर में 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक गैस यानी कि प्राकृतिक तेल के भंडार 11 बिलियन बैरल प्राकृतिक तेल के भंडार हैं और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस के भंडार हैं, जिसके 280 ट्रिलियन क्यूबिक फीट होने की संभावना व्यक्त की गई है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां से हर वर्ष $5 ट्रिलियन मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यह स्थित महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता होती है। यह जानना भी जरूरी है कि सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दक्षिण चीन सागर में मछलियों की हजारें नस्लें पाई जाती हैं। दुनिया भर के मछलियों के कारोबार का करीब आपका 55% हिस्सा या तो दक्षिण चीन सागर से गुजरता है या वहां पाया जाता है। इसलिए चीन इस प्रकार के क्षेत्र में विशेष रुचि रखता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर के द्वीपों में कई प्रकार के अवैध कार्य किए। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का
उल्लंघन करते हुए चीन ने यह कृत्रिम द्वीप बनाए हैं। संसाधन अन्वेषण के लिए सर्वे भी आयोजित किए हैं। बात करें दक्षिण चीन सागर विवाद में भारत की क्या भूमिका है, तो उसे भी देख लेते हैं। भारत स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी 1982 के सिद्धांतों के आधार पर दक्षिण चीन सागर में स्वतंत्र व निर्बाध जल परिवहन का समर्थन करता है। भारत का यह भी मानना है कि दक्षिण चीन सागर विवाद में शामिल क्षेत्र के सभी देशों को किसी भी प्रकार की धमकी और बल का प्रयोग किए बिना आपसी विवादों को हल करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो ना चाहते हुए भी जटिलताएं पैदा हो जाएंगी और क्षेत्र की शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो जाएगा। भारत वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ सैन्य साजो सामान के आयात निर्यात की गतिविधियों को बढ़ा रहा है। इस प्रकार भारत पूर्वी एशिया, खासतौर पर चीन के साथ विवाद में उलझे हुए देशों के महत्वपूर्ण सैन्य भागीदार के रूप में उभर सकता है। दक्षिण चीन सागर विवाद को भारत के लिए पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारने के महत्वपूर्ण मौके के रूप में देखा जा रहा है। 9-डैश लाइन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पंचायत के निर्णय को ठुकराकर चीन ने पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंध खराब कर लिए। ऐसे में भारत इस क्षेत्र में अपना कद बढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। भारत को अमेरिका के साथ मिलकर भारत इस क्षेत्र के लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने में सहायता कर सकता है तथा इस प्रकार इस क्षेत्र में चीन की बढ़ रही आक्रामक भूमिका को संतुलित करने में भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। भारत को चीन और पूर्वी एशियाई देशों, विशेषकर दक्षिण चीन सागर विवाद में उलझे देशों के साथ मधुर संबंध रखते हुए कूटनीतिक दृष्टि से अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, ताकि इन देशों के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप किए बिना अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति की जा सके। ऐसा करके ही भारत इस क्षेत्र में स्वयं को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है। तो ये था आपका पूरा मैटर दक्षिण चीन सागर के बारे में। आपने हर तरह से हर पक्ष को देखा है, ठीक है।